ये सुप्रीम कोर्ट का अब जो ये फैसला सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि सेबी की जांच पे संदेह का कोई आधार दिखता नहीं है और याचिकाकर्ता कोई आधार एक सबूत पेश नहीं कर पाए, तो एक बड़ा फैसला है यहां पर, इसको समझा जाए। आगे भी बहुत काम आएगा, जिस तरह से भारतीय संस्थाओं और संगठनों पे जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, जिस तरह से एक नियोजित तरीके से और हमले हो रहे हैं, ये उन सब पर एक तरीके से लागू होता है। हमारी जो संस्थाएं हैं, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस संस्थाएं, वो अपना काम कर रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम हर इस तरह के मामले में दखल देंगे, तो उनका औचित्य इन संस्थाओं का क्या रह जाएगा, जिससे भी एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस संस्था है वो इस तरह के मामलों को देखती है। उन्होंने उनकी जांच को सही ठहराया। दूसरा, मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि हिंडनबर्ग पर कार्रवाई होनी चाहिए। असली अपराध उन्होंने किया है और साफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जाहिर हो गया है। उन्होंने कहा है अगर उन्होंने कोई आपराधिक काम किया है या उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया, सरकार उन पर एक्शन ले, क्योंकि असली मैनिपुलेशन और फ्रॉड तो हिंडनबर्ग ने किया है। जिस तरह से उन्होंने भारतीय स्टॉक मार्केट को गिराया नीचे, 100 बिलियन का नुकसान करीब अडानी को हुआ, उसमें अडानी का क्या, वो इन्वेस्टर्स का हुआ, जो छोटे मोटे बड़े इन्वेस्टर्स जो भी थे, उनका जो पैसा अचानक मार्केट से गायब हो गया, वो हिंडनबर्ग ने किया। वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे शॉर्ट सेलिंग करके। उन्होंने अमेरिका में भी किया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके खिलाफ, वहां पर उनके पास पेनल्टी लगी और उनके खिलाफ कार्रवाई अभी भी चल रही है और कार्रवाई हुई भी है। तो भारत में भी ये कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, उनके जो भारत में एजेंट हैं उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, वरना इस तरह के हमारे जो उद्योगपति हैं, आज मैं अडानी पे किया है, कल वो टाटा पे कर देंगे, महिंद्रास पे कर देंगे, बिरलास पे कर देंगे, तो इस तरह की चीज़ों को रोकना बहुत जरूरी है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। विदेशी हाथ का भी जो OCCR आपका जो NGO है, वो भी विदेशी NGO की रिपोर्ट पर प्रशांत भूषण रिलाई करते हैं और वो NGO भी उनका ये एक दूसरे के पीठ खुजलाते हैं और उसको रिपोर्ट छपवाते हैं और फिर उस रिपोर्ट को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह से नहीं होता, इसको हम रोविंग इंक्वायरी या फिशिंग इंक्वायरी कहते हैं कानूनी भाषा में, वो हम नहीं परमिट कर सकते। अगर आप कोर्ट में आए तो आप सबूत के आधार पर आए, आप बिना आधार की रिपोर्ट्स को लेके जब आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा इस पर हम, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसको हम नहीं मानते हैं। तो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है, हमारे इन्वेस्टर्स के जो निवेशक हैं, जो छोटे मोटे बड़े निवेशक हैं, उनका पैसा भी हमें सुरक्षित रखना है, भारतीय स्टॉक मार्केट को इस तरह के हमलों से भी बचाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही व्यवस्थित रूप से एक ओवरऑल जो फैसला दिया है, वो अडानी के बाहर एक कदम जाके दिया है। अडानी का तो उन्होंने खिलाफ जो पिटीशन थी उनको तो रिजेक्ट यही किया है, उसके बाहर निकल के भारतीय स्टॉक मार्केट, भारतीय जनता जो कि निवेशक है, उनको भी प्रोटेक्ट करने का पूरी तरीके से इस जो फैसला आज आया है, निर्णय आया है, उसमें इस बात का भी उन्होंने ध्यान रखा है। तो मैं इस फैसले को बहुत ही ऐतिहासिक मानता हूँ। ये भी बात की है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो PIL होती है वो आम लोगों के लिए एक तरह का न्याय दिलाने का, जवाबदेही तय करने का औजार होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए PIL दायर करते समय कि उसकी प्रॉपर रिसर्च हो। उसमें अगर आप बिना रिसर्च के कोई PIL दायर कर देंगे तो शायद काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। मैंने भी कई PIL की हैं, हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं और उसमें हमें पैराग्राफ्स में देना पड़ता है कि आपने ये सबूत, ये आपने एविडेंस लगाए हैं, और उनकी जो प्रामाणिकता है वो भी हमें साबित करनी पड़ती है, सोर्स क्या है ये भी बताना पड़ता है। और इस तरह की रिपोर्ट की हम अपने NGO से रिपोर्ट छपवाएं अखबारों में, वो कोई और संस्था उसको पिकअप करे और फिर उसके आधार पर, जिसका कोई आधार नहीं है, सबूत नहीं है, उसके आधार पर आप PIL फाइल करें, इसको उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। और ये भी उन्होंने रिजेक्ट किए, ये जो बोला है कि संस्थानों पे जो आप संदेह करने लगते हैं बिना सबूत और बिना किसी आधार के, तो उस चीज़ को भी उन्होंने रिजेक्ट किया है, क्योंकि कल को ये सुप्रीम कोर्ट को भी बोलने लगेंगे कि हमें आप पे विश्वास नहीं है, हमें आपकी जो इंटीग्रिटी है उस पे विश्वास नहीं है, तो इसलिए आपके अलावा भी कोई और संस्थान को आप दे दे केस सुनने के लिए। तो इस तरह का भारत में एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत की स्वायत्त संस्थाएँ हैं उन पर हमला करिए, भारत की जो संप्रभुता है और इंटीग्रिटी यूनिटी है उस पर आप हमला करिए, सब तरफ एक कन्फ्यूजन फैला दीजिए कि भारत में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है और
सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो इस तरह का जो चीजें हैं और उस पर साजिश है, गहरी साजिश है। अगर आप देखें कि हिंडनबर्ग हुआ, जॉर्ज सोरोस हुआ, यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा ने भी सवाल उठाए अडानी के खिलाफ, तो इस तरह की एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिशकर्ता अभी छुपे हुए हैं, वो नकाब, वो पर्दा उठाना पड़ेगा हम लोगों को। इस पर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जो अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है विदेशियों द्वारा और जिनके एजेंट भारत में हैं उनके द्वारा, तो इन सब चीजों पर भारत सरकार को बहुत ही कड़े निर्णय लेके आपराधिक मामले इन पर दायर करने चाहिए और इनको सजा दिलवानी चाहिए, वरना इनका तो हौसले बढ़ते जाएंगे। इनके हौसले हमें पस्त करने हैं, इनको हराना है, भारत को इनको हराना है। भारतीय जनता को भी संभल के रहना पड़ेगा कि इस तरह की जो अफवाहें फैला देते हैं उनसे हमें बचना पड़ेगा। और आपने बहुत सही बात कही, जो PIL का एक तरीके से हथियार के रूप में ये इस्तेमाल कर रहे थे भारतीय जनता, या जिनको जिनके खिलाफ कोई अन्याय हुआ है, बजाय उनके खिलाफ इस्तेमाल, उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए PIL इन्होंने इस्तेमाल किया, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत के व्यापार और उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। तो प्रशांत भूषण की तो देखिए कोई प्रामाणिकता रह नहीं गई, उनकी तो कोई इंटीग्रिटी नहीं रह गई है। अगर शायद अगर उनमें अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो मेरे ख्याल से उन्हें पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए।